मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए आम आदमी पार्टी के सभी देशभक्त कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं देख रहा हूं इतनी भारी संख्या में यहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, और जैसा भगवंत मान साहब ने कहा कि आज तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, लेकिन जब रैली होगी तो सोच सकते हैं कि कितने लोग आएंगे पूरे मध्य प्रदेश से। अभी कुछ दिन पहले आई लव यू टू, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से कुछ लोग मेरे से मिलने के लिए आए, उनसे मैं बातचीत करने लगा। मैंने उनसे पूछा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो कोई बोला जी भ्रष्टाचार, कोई बोला बेरोजगारी, क्या बोल रहा मामा, उस पे आ रहा हूं मैं अभी, उस पे भी आ रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि मामा सबसे बड़ी समस्या है, तो कोई बोला भ्रष्टाचार, कोई बोला बेरोजगारी, कोई बोला महंगाई, कोई बोला किसानों की समस्या। एक उनमें आदमी बोला, कहता सरकार हमारे मध्य प्रदेश में सरकारें बेची जाती हैं और सरकारें खरीदी जाती हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है। कहता आज हर मध्य प्रदेश का नागरिक, हर व्यक्ति अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। बोला जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, एक पार्टी अपनी रेड़ी लेके निकलती है, एमएलए ले लो एमएलए, एमएलए ले लो एमएलए, एक एमएलए के इतने 10 पे डिस्काउंट मिलेगा, पूरी सरकार गिरानी है तो इतने, और एक पार्टी खरीदने के लिए तैयार बैठी है। बाजार बना दिया इन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था को, बाजार बना दिया इन लोगों ने पूरे संविधान को, बाजार बना दिया इन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को, जहां पे खुलेआम एमएलए बिकते हैं, खुलेआम एमएलए खरीदे जाते हैं। आज मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक मामा को हटाना चाहता है। पिछली बार भी हटा दिया था लेकिन बस नहीं चलता, इसको वोट दो या इसको वोट दो, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। एक बेचारा मध्य प्रदेश वाला कहां जाए, बेबस हो गया है मध्य प्रदेश का एक एक वोटर, बेबस हो गया है मध्य प्रदेश का एक एक आदमी, कैसे बदले इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा लोगों को। चाहे कांग्रेस को वोट दो, चाहे बीजेपी को वोट दो, सरकार तो मामा की बनेगी, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। इस बार चलेगी झाड़ू, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब इनका खेल खत्म, अब एमएलए बेचने और खरीदने का काम खत्म। अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर आ गई है, जो जो लोग इस बार मामा को हटाना चाहते हैं सब लोग झाड़ू पे वोट दे देना, झाड़ू का बटन दबा देना। पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, चेंज चाहता है, परिवर्तन चाहता है, लेकिन बेबस थे, मजबूरी थी, कर नहीं सकते थे। अब आपको एक विकल्प मिल गया, ईमानदार पार्टी मिल गई, जैसे दिल्ली के अंदर ठीक किया, पंजाब के अंदर ठीक किया, अब मध्य प्रदेश को भी बदलेंगे। और उसका ट्रेलर मिल चुका है, सिंगरौली के अंदर
हमारी बहन रानी अग्रवाल सिंगरौली की मेयर बन चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर पूरी की पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। आजादी के बाद से लेकर आज तक 45 साल कांग्रेस की सरकार रही, 45 साल कांग्रेस ने राज किया, 20 साल बीजेपी ने राज किया। आपने मौका देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये बीजेपी कांग्रेस वाले ये नहीं कह सकते भाई हमको मौका नहीं दिया था, मौका तो बहुत दिया था, पर 45 साल बहुत होते हैं जी, अगर कुछ करना चाहते तो कर देते, नहीं 20 साल बहुत होते हैं, कुछ करना चाहते तो कर देते बीजेपी वाले। बहुत मौका दिया इन्होंने, बारी बारी आपने मौका दिया, बारी बारी ये बारी बारी करके लूटा इन्होंने, बारी बारी करके लूटा। अब ये नहीं कह सकते मौका नहीं दिया था, बहुत मौका दिया था। एक मौका बस इस बार आम आदमी पार्टी को दे के देख लो, अगर काम ना करूं तो दूसरी बार वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं आपसे, एक मौका देके देख लो। दिल्ली के लोगों ने मेरे को एक मौका दिया था, एक बार अन्ना आंदोलन हुआ, रामलीला मैदान से निकले हम लोग, लोगों ने देखा यार ये लड़के तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं। लोग कहते थे केजरीवाल जिद्दी बहुत है, जिद्दी है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी जिद है। दिल्ली के लोगों ने देखा और दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया था मेरे को, छोटा सा मौका, 49 दिन की सरकार दी थी लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मेरे को बस 49 दिन का मौका दिया था। इतना प्यार हो गया दिल्ली के लोगों को मेरे से, इतना प्यार हो गया, अगली बार 67 सीट दे दी 70 में से, बीजेपी को 3 सीट दी, कांग्रेस को 0 सीट दी, आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दे दी। अगले 5 साल और इतना अच्छा काम किया, और इतना अच्छा काम किया, 70 में से 62 सीट दे दी तीसरी बार हम लोगों को। दिल्ली के हमारे काम की बात पंजाब पहुंची तो पंजाब में लोगों ने 117 में से 92 सीट दे दी, 92 सीट। दिल्ली के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, मध्य प्रदेश एक मौका देके देखो आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। कभी सोच नहीं सकते थे, सरकारी स्कूल तो टेंट में चलते हैं, सरकारी स्कूल तो टूटे फूटे होते हैं, मास्टर आता नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं है, गरीब लोग मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। सब बदल दिया दिल्ली के अंदर, क्रांति आ रही है सरकारी स्कूलों में दिल्ली में, वो क्रांति अब पंजाब में शुरू हो गई। मान साहब शानदार काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वालों एक मौका देके देखो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। दिल्ली के अंदर गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दी हमने, सारे सरकारी अस्पताल एयर कंडीशन्ड बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया दिल्ली में, अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे 5 रुपए की क्रोसिन लेनी हो, टेबलेट लेनी हो, या 5 लाख रुपए 50 लाख रुपए का ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त है। भगवान ना करे आपके घर कोई बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो जाए दिल्ली में कोई तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, सारा खर्चा, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा ऑपरेशन सब मुफ्त होता है, दिल्ली में कर दिया। मान साहब ने अब 500 मोहल्ला क्लिनिक, अभी एक साल भी नहीं हुआ, दिल्ली में मेरे को 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लग गए, भगवंत मान ने एक साल में 500 क्लिनिक, मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मध्य प्रदेश वालों एक मौका देके देख लो,
आपका सबका इलाज मुफ्त कर दूंगा, सारे मध्य प्रदेश के लोगों का। शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, शानदार अस्पताल बनाएंगे, सबका इलाज मुफ्त कर देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब के अंदर अभी कई फसलों पे इन्होंने एमएसपी देना चालू कर दिया। एमएसपी का आंदोलन छेड़ा था ना अभी किसानों ने, भाई एमएसपी दो एमएसपी दो, पंजाब में शुरुआत हो गई है। कई फसलों पे अब एक एक फसल जोड़ते जा रहे हैं, एमएसपी देते जा रहे हैं, एमएसपी देते जा रहे हैं। मुआवजा, फसल अगर बर्बाद हो जाए किसानों को मुआवजा मिलने लग गया, दिल्ली में भी मिलने लग गया, पंजाब में भी मिलने लग गया, मध्य प्रदेश में मौका मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी मुआवजा मिलेगा। दिल्ली में मैंने 12 लाख पांच साल में 12 लाख बच्चों को नौकरियां दिलवाई हैं, 12 लाख युवाओं को। पंजाब में एक साल में 27,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। और मैं अभी हमारे पंकज सिंह जी से बात कर रहा था, ये बता रहे थे कि कई सारे बेरोजगार अपना धरना लेके आंदोलन करने के लिए जब यहां आए तो उनके ऊपर पुलिस ने डंडे बरसा दिए। अरे अपने ही तो लोग हैं यार, कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, अपने ही तो बच्चे हैं, रोजगार मांगने आए हैं, डंडे क्यों बरसाते हो? रोजगार नहीं दे सकते तो उनको गले तो लगा लो, कम से कम प्यार से बिठा के चाय तो पिला लो, रोटी तो खिला दो उनको, डंडे क्यों बरसाते हो उनके ऊपर? हमको नौकरी देनी आती है, हमारी नीयत साफ है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, मध्य प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है, एक मौका देके देख लो, आपको सबके लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा मैं। जितने कच्चे कर्मचारी थे, बहुत सारे कच्चे कर्मचारी होते हैं ना सरकार में, होते हैं कि नहीं होते? उनकी सबकी एक ही मांग होती है, हमको पक्का करो, हमको पक्का करो। मान साहब ने अभी 25,000 सरकारी कर्मचारियों को पक्का कर दिया। मध्य प्रदेश में जितने कच्चे कर्मचारी हैं सबको पक्का कर देंगे। दोस्तों हमें काम करना आता है। इस देश के अंदर एक नई किस्म की राजनीति शुरू की है हमने। पहले होती थी धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, गाली गलौज की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति। अब हमने शुरू की है काम की राजनीति। आपसे पूछना चाहता हूं, ये बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे होंगे, पूरा आजादी के 75 साल में कोई एक पार्टी बता दो जिसने आपको आके कहा हो कि मेरे को वोट दे दो मैं आपके बच्चों के स्कूल बना दूंगा। किसी ने कहा? किसी पार्टी ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, इस पार्टी ने, उस पार्टी ने कभी कहा हो कि मेरे को वोट दे दो मैं आपके बच्चों के स्कूल बनवा दूंगा? किसी पार्टी ने नहीं कहा। बनाने ही नहीं आते इनको, नियत ही नहीं है इनकी। किसी पार्टी ने कहा हो कि हमारे को वोट दे दो हम आपके आपके परिवार के लिए अस्पताल बना देंगे, आपके लिए बिजली का इंतजाम? किसी पार्टी ने नहीं कहा, करना ही नहीं आता, नियत ही नहीं है इनकी। तो इन्होंने देखा कि भैया केजरीवाल की काम की राजनीति के सामने तो हमारी दाल नहीं गलेगी, तो उन्होंने षड्यंत्र रचना चालू किया मेरे खिलाफ कि केजरीवाल को रोको किसी भी तरह। पहले दिल्ली में था, फिर पंजाब में चला गया, अब गुजरात में, वो कहते हैं ना शेर की मांद के अंदर घुस गए, गुजरात के अंदर घुस गए, हमारी एंट्री हो गई गुजरात में। इस बार 14% वोट आए हैं, देख लेना 2027 में सरकार ना बन जाए तो हम लोगों के। अब ये गुजरात में भी चला गया, रोको इसको। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ, इसके ऊपर कीचड़ फेंको, केजरीवाल के ऊपर कीचड़ फेंको, बोलो केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। इन्होंने खूब कीचड़ फेंका मेरे ऊपर, लेकिन जनता ने उसका जवाब दिया। जनता कह रही है यार कोई भ्रष्टाचारी आदमी सरकारी स्कूल बनाता है क्या? भ्रष्टाचारी आदमी तो प्राइवेट वालों से पैसे लेके सरकारी स्कूल बर्बाद करता है। कोई भ्रष्टाचारी आदमी सरकारी अस्पताल बनाता है क्या? फ्री में इलाज कराता है क्या? भ्रष्टाचारी आदमी तो प्राइवेट अस्पताल वालों से कमीशन लेके सरकारी अस्पतालों को बर्बाद करता है। जनता ने इनका यकीन नहीं किया। फिर इन्होंने मेरे दो सबसे शानदार मंत्री गिरफ्तार कर लिए, मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन। सतेंद्र जैन वो शख्स है जिसने फ्री बिजली देना शुरू किया था दिल्ली के अंदर,
उसने सारा, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है वो, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, सारा मेरे पास हिसाब किताब लेके आया। एक दिन बोला सर जी दिल्ली की बिजली मुफ्त हो सकती है। मैंने कहा कैसे हो सकती है, तो कागज लेके आया, कहता है देखो सर इतने पैसे चाहिए ऐसे बिजली मुफ्त कर देंगे। उसने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसने दिल्ली के सारे अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर दी। प्रधानमंत्री जी ने उसको जेल में डाल दिया। एक मनीष सिसोदिया है भाई साहब, 75 साल हो गए आजादी के, आज भी हमारे देश का एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। दिल्ली छोड़ दो, पंजाब छोड़ दो, बाकी पूरा देश उठा के देख लो, कहीं सरकारी अस्पताल अच्छे हो? सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा हो रही है। 10 लाख सरकारी अस्पताल है हमारे देश में, 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, 18 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार के अंदर है देश के अंदर। पूरे देश में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 75 साल के बाद भगवान ने एक शख्स भेजा, मनीष सिसोदिया, उसने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में कमाल करके दिखा दिया। भाई साहब आप जितने लोग हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको न्योता दे रहा हूं, आप दिल्ली आओ, दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में घुस जाना, आपको यकीन नहीं होगा, शानदार 5-स्टार बिल्डिंग है हमारे सरकारी स्कूलों की। 99.7% नतीजे आए हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, रिक्शे वालों के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर वकील बन रहे हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया।